साथियों नमस्कार, अनंत वक्ता पॉलिटिकल ट्रैक सीरीज के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज उपाध्याय। आज सीधे सीधे बात करेंगे हरियाणा में वोट कटर कौन है, कितना वोट काट पाएगा, उसके वहां भाजपा कांग्रेस के बीच में नाक घुसाने का मतलब, मकसद और जरूरत क्या सामने आ पाती है, आज इसी पे पूरी वीडियो रहने वाली है। बने रहिए, ध्यान से देखिए। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जींद जिले की सापला सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करते हुए एक बात कही, बड़ी दिलचस्प कही कि साथियों इस फेरे में मत रहना कि पिछली बार वोट कटर्स को आपने वोट दिया। लोकसभा के चुनाव में दिखा दिया मुकाबला कांग्रेस का और बीजेपी का है, वोट काटों को कोई वोट देने वाला नहीं है। तो पिछली बार वोट काटों को दी थी वोट तो उन्होंने मिलकर सरकार बनाई और 5 साल इस हरियाणा को बर्बाद कर दिया। इस बयान में वो 30 तो उनकी झलक रही है, वो चाहते हैं सरकार में आना, संभव है कि सरकार में आ भी जाएं, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी सरकारों के साथ होती है। हरियाणा में 2 टर्म से भाजपा की सरकार है तो वहाँ ये प्रॉब्लम्स हो सकती है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हौसले इसलिए बुलंद हैं। वहीं वोट कटर की अगर हम बात वापस करने आते हैं तो जेजेपी का नया तालमेल बना है। आज उन्होंने एक लिस्ट भी जारी किया है। उन्होंने तालमेल बनाया है उत्तर प्रदेश के बिजनौर की नगीना सीट से सांसद और भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण के साथ, जबकि उनको लगता है कि चंद्रशेखर रावण तोप होंगे हरियाणा के लिए, लेकिन वो वहाँ फिसड्डी साबित होंगे इसलिए कि उनका कोई जनाधार नहीं है। वो तफरी लेने एक चुनाव में वहाँ जा रहे हैं, कुछ वर्ग समुदाय के बीच में विषैली बात बोलेंगे, हो सकता है वोट काट भी दे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बीच में साफ साफ कहते हैं वोट कटरों से सावधान रहे, भाजपा कांग्रेस के बीच का मुकाबला है। वही तीसरा एक खिलाड़ी और पहले से मौजूद है, आम आदमी पार्टी, जिसके स्टार प्रचारकों की आज लिस्ट जारी होती है। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री उस स्टार प्रचारक लिस्ट में शामिल हैं, जबकि पानी फेर दिया कोर्ट ने केजरीवाल को आज 25 सितंबर तक के लिए फिर से जेल में रहने की बात करके उनकी अवधि को बढ़ा दिया गया, इसमें इलेक्शन बीत जाएगा। सुनीता केजरीवाल की एक छटपटाहट है, उसकी वजह से वो चुनाव प्रचार करेंगे। अब ये एक तीसरा जो प्लेयर है आम आदमी पार्टी को, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? इतना जरूर है कि दिल्ली का दखल हो सकता है, आधे हरियाणा तक है, तो हरियाणा का दखल दिल्ली पे, दिल्ली के लोग हरियाणा के आसपास की चीज़ों में, क्षेत्र में हो सकता है कुछ हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो उत्तर प्रदेश का भी तो बॉर्डर है, वहाँ भी आम आदमी पार्टी बहुत कुछ नहीं कर पाई, लेकिन हरियाणा पार करते हुए पंजाब में उसने गुल खिलाया है। ये भी एक सोचने का विषय है। अब कितनी ताकत के साथ भूपेंद्र हुड्डा इस चुनाव में वोट कटर से सावधानी बरतेंगे या उनको नज़रअंदाज करते हुए आगे जाएंगे, ये वक्त बताएगा। अक्टूबर महीने में ही नई सरकार बन जानी है। हम आपके लिए ये स्टोरी आप अगर कहें तो वहाँ के सड़कों पे उतर के सामान्य आदमी से, समूह के लोगों से पूछ के जरूर सर्वे करके बताएं, लेकिन वो आपके डिमांड पे। इसलिए आपको कह रहे हैं कि हमारे पास संसाधनों की कमी होती है। बड़े बड़े चैनल्स जो सियासी अखाड़ा चलाते हैं वो बड़े बड़े संसाधनों के साथ चलाते हैं, वो हमारे पास नहीं होते। हम जाएंगे, करेंगे स्टोरी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि आपको क्या अच्छा लगा। हाँ, एक बात और, बुरा लगे तो भी कमेंट करें। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए, बहुत ध्यान से रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।